और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रफीक खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जयपुर में विधायकों के बीच ईगो प्रॉब्लम होती है और पार्टी के दो सीनियर नेता मंत्री भी हैं, ऐसे में वर्चस्व की लड़ाई भी सामने आ जाती है। वहीं अपने दौरे पर अफसरों की ढिलाई को लेकर भी रफीक खान ने खुलकर बोला। रफीक ने कहा कि मुझे अफसोस है कि अधिकारियों को 15 सूत्रीय कार्यक्रम की ही जानकारी नहीं है। रफीक खान से कई मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न आयोगों में विधायकों की भी नियुक्ति की है और उनमें से एक आयोग है अल्पसंख्यक आयोग, जिसकी जिम्मेदारी दी है आदर्श नगर के विधायक रफीक खान। रफीक खान अल्पसंख्यकों के सबसे सक्रिय विधायक माने जाते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जिम्मेदारी के बाद करीब 1 दर्जन जिलों के वे दौरे कर चुके हैं। क्या इन दौरों में लोगों की राय सामने आई, क्या वहाँ कमियाँ खामियाँ है और किस तरह इन्होंने खुद आंखों देखा हाल देखा है, बात करते हैं रफीक खान से। अल्पसंख्यक आयोग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने आपको दी, क्योंकि वह तबका ऐसा है जो वंचित है, चाहे शिक्षा से हो, चाहे आर्थिक जगत से हो, चाहे उद्योगों में हो। आप की नियुक्ति के बाद करीब 1 दर्जन जिलों के आप दौरे कर चुके हैं। सीधा सा सवाल है, किस तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं, क्या जाके देखा आपने? देखिए, पिछले हफ्ते मैं करीब 4 जिलों में गया, 5 जिलों में गया, लेकिन 4 में मैंने बहुत सक्रिय मीटिंग ली, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और उदयपुर। यहाँ मैंने अभी पिछले 1 वीक के अंदर मीटिंगें ली और मुझे खुशी भी है और थोड़ा सा अफसोस भी है। खुशी इस बात की है कि मैंने मीटिंग ली और एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ। मैं कहूँगा कि जैसे कलेक्टर बीकानेर है, ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव, वो पूरे टाइम मीटिंग के अंदर बैठे। जबकि बीकानेर में मेरी 1 मीटिंग पहले हो चुकी, तो ये फॉलो अप मीटिंग थी मेरी। और उदयपुर में गया तो उदयपुर कलेक्टर SP दोनों मीटिंग में बैठे, यहाँ बीकानेर में कलेक्टर SP बैठे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चूरू और झुंझुनू वालों ने की नज़र में शायद माइनॉरिटी का प्रोग्राम की प्राथमिकता नहीं है, तो उन्होंने प्राथमिकता से नहीं लिया। मीटिंग मैंने वहाँ की, सभी अधिकारी बैठे और अब मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी नहीं आता है वो एटलीस्ट जवाब तो दे भी कि बचने से काम, आँख मीचने से शेर रुकता नहीं है, शेर तो वहीं खड़ा है सामने, तो आपको बचने से कुछ नहीं होगा, काम फील्ड में आके करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि रिव्यू मीटिंग में हम नहीं पहुँचे तो हमारा सामना नहीं होगा या हम जो बात हम कर नहीं पाए, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, उसके ऊपर पर्दा डल जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस भी एरिया में परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ अधिकारी सक्रिय रूप से कार्य करें। उदयपुर हमारी मीटिंग बहुत अच्छी थी, एक्सेलेंट मीटिंग, लास्ट मीटिंग उदयपुर ही हुई हमारी फ्राइडे को। अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये बताते हुए बड़ा खेद है कि न तो CMHO वहाँ आए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ नहीं आता है। प्राइमरी एजुकेशन का अधिकारी वहाँ था लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी हायर सेकेंडरी का वहाँ नहीं था, तो अब आप किससे सवाल करो, कौन जवाब देगा, कौन ये तय करेगा कि इनका एजुकेशन प्रॉपर हो रहा है? और उदयपुर रीजन के अंदर आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी है, जैन बहुत मुख्य रूप से हैं, सरदार भी हैं, सिख भी हैं। वहाँ जब जिला शिक्षा अधिकारी नहीं आए तो कैसे इंश्योर करोगे कि वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी ठीक काम कर रही है? चर्चा ये है कि अब रफीक खान राजस्थान के नए अल्पसंख्यक नेता बनते जा रहे हैं। देखिए, मुझे खाली अल्पसंख्यक तक सीमित मत करो आप, मैं बहुत, मेरा एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है और मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ। मेरी आदर्श नगर की जनता ने मुझे चुना है, उसमें कोई भी किसी एक समाज का आदमी नहीं है, 36 कौम ने मुझे चुना, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस एरिए का मैं विधायक चुना गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एंड पॉलिटिक्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, मैं हर समाज के हर तबके को सर्व करूं, चाहे उसने मेरे को वोट दिया चाहे नहीं दिया। मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर आदमी को सेटिस्फाई करूं, उनके काम करूं, और ये भी मेरी कोशिश है कि मैं, जब मेरे को माइनॉरिटी कमीशन की जिम्मेदारी मिल गई, तो मैं
काम न केवल जयपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में करके आऊं और लोगों को ये भरोसा दिलाऊं कि एक आदमी है जो आपकी बात सुन के मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है, आपके ग्रीवेंसेस सुनता है, आपके काम करता है, आपके बीच में रहता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दूत बन के हर ज़िले में जाऊंगा, हर ज़िले में कोशिश करूंगा कि वहां की आवाम को, आम जनता को फ़ायदा हो। एक आखिरी सवाल जवाब तो बनता है, आप सुन रहे हैं और चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, पीए को भी बुलाया है, शिकायतें हैं मंत्री नहीं सुनते, आपकी सुनते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी मंत्री, आप जब जायज़ काम लेके जाते हो तो कोई मना करता हो, और ख़ास तौर से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी लिस्ट में तो किसी मंत्री ने आज तक कोई जायज़ काम मैं लेके गया और उन्होंने नहीं किया हो, ऐसा नहीं हुआ कभी। कोई क्या होता है कि दो तरीके के काम होते हैं, एक काम तो वो है जो डूएबल है, जो आपने किया और वो हो गया और मंत्री जी के भी हाथ में है और आप भी चाह रहे हो जाए तो वो काम हो जाते हैं। एक कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे थर्ड ग्रेड का ट्रांसफ़र है, खुले नहीं है, बैन है, अब जनता आती है, मैं भी समझाता हूँ, कई बार दिक्कत भी आती है, कई बार कहते हैं जियो करा दो आप, गवर्नमेंट ऑर्डर करा दो, जनता को समझाना ही पड़ता है कि ये बैन है, ये नहीं हो सकता। जब एमएलए खुद इस बात को समझ लेगा कि ये काम हो सकता है और ये नहीं हो सकता तो शायद मंत्रियों को भी आसानी होगी। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दो MLAs के ईगो लग जाते हैं, जैसे हमारे जयपुर में ये बहुत प्रॉब्लम आती है, हम चार MLA हैं सिटी के अंदर, दो मंत्री हैं उनमें से और दोनों मंत्री बहुत सीनियर नेता हैं हमारी कांग्रेस पार्टी के, तो कभी कभी वर्चस्व की लड़ाई भी सामने आती है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई मंत्रियों से कोई मतभेद नहीं है। कुल मिला के कह सकता हूँ कि मेरा पूरा विश्वास है मंत्रिमंडल में और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री अच्छे से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं परफॉर्म करने की और उन सब का रिव्यू मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो रफीक खान जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है और साथ में ये सही कहा है कि सरकार की योजना कई है लेकिन अगर अफसर भी उसी तरह से काम करें तो इन योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सकता है, और साथ में खुद को मुख्यमंत्री का दूत बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी योजना जन जन तक पहुंचानी होगी उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करेंगे। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।